अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की जो वीडियो है वो है ये बेला आज की जो वीडियो है वो है वेला ब्लीच से रिलेटेड। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने वेला ब्लीच की जो थी वो बड़ी वाली पैकेजिंग यूज की थी, जो कि मैं सैलून पे यूज करती हूँ। तो आप लोगों ने कहा कि आपकी इतनी बड़ी पैकेजिंग है तो हम तो ये खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो जो बड़ी वाली जो उसका ब्लॉन्डर होता है ना वो आता है 2400 रुपए का, और उसका डिवेलपर आता है वो आता है तकरीबन 1800 से 1700 का। यानी कि दोनों चीजें जो है वो 4500 रुपए से भी ऊपर, यानी कि 5000 के अंदर बन जाती है सिर्फ ब्लीच और उसका पाउडर। फिर उसके बाद जो हमने इसमें चीजें डालनी होती है, सूदिंग डलती है, स्किन शाइनर डलता है, व्हाइटनिंग पाउडर डलता है, फिर बूस्टर डलता है, फिर मिल्की व्हाइट कैप्सूल या विटामिन ई कैप्सूल या खुश्क दूध, आप जो भी चीज ऐड करना चाहते हो वो सब चीजें डलती है। तो यानी कि हमारी ब्लीच इतनी महंगी पड़ जाती है। तो आप ये दोनों चीजें ले सकते हैं। ये देखें जो इसका ओरिजिनल जो पाउडर होता है ना वेला का, क्योंकि मैं वेला हमेशा इसलिए यूज करती हूँ कि वेला जो है वो हर्बल ब्लीच है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है वेलोक्सन हर्बल। तो ये हर्बल ब्लीच है, ये हार्मफुल नहीं होती है और सब स्किन पे सूट करती है, ये सबके सब पे। और ये सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है ना, ये फेशियल हेयर को ग्रो नहीं करती आपके फेस के ऊपर। और आज मेरे से पहले किसी ने भी यूट्यूब पे वेला ब्लीच आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। मैंने इसलिए शेयर की थी क्योंकि मैंने सैलून में यूज की थी, काफी बड़े बड़े सैलून में जहां पे मैं जॉब कर रही थी मैंने वहां पे देखी थी, वहां पे हमने यूज की थी, कभी इसकी कंप्लेन नहीं आई। जब भी मेरा कोई क्लाइंट भी अपने ऊपर क्यूने की ब्लीच यूज करता था तो वो क्लाइंट भी बताता था कि वो क्यूने की ब्लीच यूज कर रहा है और उसके उससे फेशियल हेयर ग्रोथ हो रहे हैं और साइड से बाल जो है काफी ज्यादा हो गए। आप मेरा फेस आप लोगों के सामने है, मैं कितने अरसे से वीडियोस बना रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए। तो मेरे फेस पे देखें, मैं वेला ही की ब्लीच यूज करती हूँ, मेरे फेस पे इसकी वजह से कभी बाल नहीं आए, कभी कोई रेशेज नहीं बने। और इवन के छोटे से छोटा बाल हो या मोटा बाल हो या पतला बाल हो, सबको ये आपकी स्किन के मुताबिक कलर कर देती है। ये ना सबसे अच्छी बात मुझे इसकी एक ये भी लगती है कि अक्सर ब्लीच ना बालों को बहुत ज्यादा भूरा कर देती है। जस्ट लाइक अब मेरा कलर है गंदमी, अब मैं इसके ऊपर अपने बालों को ब्लीच करूं मेरे बाल भूरे भूरे गोल्डन हो जाए, कितने बुरे लगते हैं। तो ये ऐसे नहीं करती है, जिस तरह की मेरी स्किन का कलर है ना उसी के अकॉर्डिंग ये मेरे बालों को कलर कर देती है। मतलब पता नहीं चलता कि मेरी स्किन पे फेशियल हेयर है या नहीं है। तो अभी मेरे काफी टाइम हो गया मैंने ब्लीच नहीं किया था, ईद पे भी नहीं किया, उससे पहले भी नहीं किया, रमजान भी पूरा ऐसे गुजर गया, तो छोटे छोटे बाल बने हुए काफी ज्यादा और फिर वैसा लगता है जैसे पोर्स बने हुए स्किन के ऊपर ना। तो मैं ब्लीच करनी थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो ये 150 रुपए का ये पाउडर है और 150 का ये डिवेलपर है। और ये जो आपका एक पाउडर जो है ना ये आप एयर टाइट जार में रख लें, किसी भी ये खराब नहीं होता, और आप इससे ना कम से कम 5 दफा ब्लीच कर सकते हैं सिर्फ इससे फेस की। अगर आप हाथों पैरों की गर्दन की भी करना चाहते हैं तो आप 3 दफा ही आपका एक पैकेट यूज हो जाएगा और 300 रुपए में ये दोनों चीजें आएंगी। आप देख लें और तस्वीर ले लें इसकी। इसी वॉल्यूम ये इसका डेवलपर है और ये इसका पाउडर है और ये ओरिजिनल होता है। अगर आपको डब्बी में कोई दे रहा है तो वो ओरिजिनल नहीं होगा, आप उससे बोलें कि मुझे साशे में दें, साशे में ही ओरिजिनल होता है। और डिवेलपर जो होता है वो इसका ऐसा होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई। सिंपल ब्लीच इसलिए नहीं करते सिंपल ब्लीच करने से, यानी कि अगर सिर्फ ये दोनों चीजें यूज करके मैं ब्लीच करूंगी तो मेरी स्किन बर्न होगी इसकी वजह से। और एक और बात, मैंने काफी वीडियो में पहले भी आपको बताया है कि अब सिंपल ब्लीच नहीं करते, अब ब्लीच के अंदर जो है हम लाजमी स्किन पॉलिश डालते हैं, कंप्लीट स्किन पॉलिश की जो चीजें होती हैं जैसे शाइनर, बूस्टर और इसके अलावा व्हाइटनिंग पाउडर और सूदिंग लोशन, ये सब चीजें डालते हैं जिससे स्किन के ऊपर रैशेज नहीं बनते। कुछ कुछ ब्लीचें ऐसी हैं जिसमें सब चीजें ऐड हुई हुआई आ रही हैं और कुछ ब्लीचों में हमें खुद ऐड करनी पड़ती है। लेकिन जैसे कुछ फेशियल डर्माकोस की ब्लीच मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसका डेवलपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो वो मोटे मोटे दानों वाली ब्लीच है, स्किन पर रैशेज बना देती है और बालों को भी कलर नहीं करती स्किन के अकॉर्डिंग। तो मुझे बिल्कुल भी डर्माकोस की ब्लीच अच्छी नहीं लगती। जॉलन की ब्लीच भी जो बाहर से आती है ओरिजिनल होती है, जो यहाँ पे मिलती है वो अच्छी नहीं मिलती है, तो मुझे वो भी अच्छी नहीं लगती। मुझे वेला की ब्लीच इसलिए अच्छी लगती है कि इसका पाउडर बहुत सॉफ्ट है और बहुत स्मूथ पाउडर है इसका और बिल्कुल भी रैशेज नहीं बनाता। मुझे कभी किसी ने वेला वालों ने वीडियो स्पॉन्सर नहीं की ना, उनको पता होगा कि कोई नताशा वकास भी है जो वीडियो बना रही है। बस मुझे वेला की ब्लीच अच्छी लगती थी, मैंने पाउडर में यूज की थी, मुझे सूट की थी, काफी अच्छे इसके रिव्यूज थे, कभी भी किसी क्लाइंट ने इसकी कंप्लेन नहीं की थी। इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैं खुद भी यूज करती हूँ तो आप लोग भी यूज करें। तो ये ब्लीच है, ठीक है। अब मैं इसको बताती हूँ आप लोगों को, जिसकी स्किन है ऑयली आप लोगों ने स्किन शाइनर यूज नहीं करना, जिसकी स्किन है ड्राई उन्होंने स्किन शाइनर यूज करना है, जिसकी स्किन है ऑयली उन्होंने बूस्टर यूज करना है, और जिसकी स्किन है ड्राई उन्होंने बूस्टर यूज नहीं करना वरना स्किन मजीद ड्राई हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ पिक्चर लगा रही हूँ, छोटे छोटे सॉफ्ट टच में आएंगी ये सारी चीजें आप लोगों की, सॉफ्ट टच या बी प्रिटी में आएंगी, ठीक है।
और अगर आप व्हाइटनिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं तो उससे जो है व्हाइटनिंग पाउडर में जो है वो सूदिंग इफेक्ट होता है। एक तो थोड़ा सा व्हाइटन भी कर देता है वो स्किन को, और दूसरी बात है कि स्किन को सूद भी करता है, यानी कि रैशेज वगैरह बनने नहीं देता। तो आपकी मर्जी, अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी का जो बना बनाया पॉलिशर आता है आप वो भी यूज कर सकते हैं। डर्माशाइन में भी आता है पॉलिशर, और इसके अलावा और भी दो तीन फेशियल हैं जो मैंने यूज किए हैं उन सबके अंदर पॉलिशर आता है, उस पर लिखा होता है स्किन पॉलिशर, तो आप वो भी ब्लीच के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अब तीसरी चीज क्या है, सूदिंग लोशन। सूदिंग लोशन जो है आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, जो भी स्किन है आपने सूदिंग लोशन ऐड करना है, उससे आपकी स्किन के ऊपर रेश नहीं बनेगा। आपने जब ब्लीच लगानी है ना, जहां जहां पे बाल है, लाइक ये वाला एरिया, लड़कियों को ज्यादातर मसला होता है इस जगह पे कि इन जगहों पे बाल होते हैं, तो इन जगहों पे आपने बगैर सूदिंग लोशन के लगानी है। बाद में आप सूदिंग लोशन मिक्स करके पूरे फेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि देखें आईज के नीचे बाल होते हैं इस जगह पे। अब ये देखें, अभी मेरे बाल ब्लीच नहीं हुए तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे शेडो नजर आ रहा है काला काला बालों की वजह से, क्योंकि बाल अभी ब्लीच नहीं हुए हुए। आप देखें लिप्स के अराउंड बाल बहुत ज्यादा आए हुए हैं, तो ये वाला पूरा एरिया बालों की वजह से ब्लैक हुआ हुआ है। तो हर बंदा लेजर अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं वैक्स करवा करवा के यहाँ पे बाल निकालना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा इशू नहीं है बालों का। मैंने सबको भी कहा हुआ है, बेशक ब्राइड्स भी होती है, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे फेस की वैक्स करवाएं। अगर आपके बाल बिल्कुल रुए टाइप है ना, जैसे मेरे फेस में नजर नहीं आते, तो आप लोग ब्लीच किया करें उसको। इवन आप किसी बड़े सैलून में भी जाएंगे ना, तो वो भी आप लोगों को यही रिकमेंड करेंगे, अगर आपके बाल ज्यादा बड़े नहीं है, रुए टाइप बाल है, तो आप ब्लीच करवाएं। अब आप लोग ये चीजें नोट कर लेना कॉपी के ऊपर, कि शाइनर किसने यूज करना है, बूस्टर किसने यूज करना है, व्हाइटनिंग पाउडर किसने यूज करना है, सूदिंग लोशन किसने यूज करना है, स्किन पॉलिशर किसने यूज करना है। सिंपल ब्लीच आप लोगों ने नहीं करनी, इवन हाथों पैरों के ऊपर भी सिंपल ब्लीच नहीं करनी, वरना उसी टाइम तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है कि बड़े चिट्टे निकल आए हम लोग, हाथ पैर बड़े हमारे साफ हो गए, मुंह भी बड़ा साफ हो गया, और अगले दिन या उससे दूसरे दिन इतना ज्यादा डल हो जाता है कलर, क्योंकि स्किन बर्न हो जाती है आपसे। सिंपल ब्लीच से स्किन हमेशा बर्न होती है। हम ब्लीच करते हैं, हमारी मजबूरी है कि हमारे फेशियल हेयर है, और फेशियल हेयर की वजह से हमारा कॉम्प्लेक्शन डल लगना शुरू हो जाता है, तो ब्लीच करना पड़ता है ताकि फेशियल हेयर जो है वो ब्लीच की वजह से छुप जाए। ठीक है, लोग कहते हैं कि ब्लीच हार्मफुल होती है, ब्लीच नहीं करनी चाहिए, ये वो, लेकिन वो ब्लीच जो आपकी स्किन को सूट कर रही हो, जो हर्बल हो, वो आप कर सकते हैं, तरीके से करें बस इंसानों की तरह। बहुत ज्यादा पाउडर ना डालें, कम पाउडर डालें और कम टाइम लगाएं। तो अभी मैं इसका पाउडर तैयार करती हूँ आप लोगों के सामने, इसके अंदर चीजें ऐड करती हूँ, फिर मैं इसको लगाऊंगी अपने फेस के ऊपर। किस किसी का ये वाला एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, तो आपने नीचे प्रोटेक्शन लेयर लगानी, यानी कि सूदिंग लगा लेनी आपने नीचे, और उसके ऊपर आपने ब्लीच अप्लाई करनी है बिल्कुल हल्की सी। तो इसका पाउडर तैयार करते हैं, फिर वो आपके सामने अप्लाई करूंगी, आपके सामने रिजल्ट दिखाऊंगी मैं आपको, और फिर आप लोग जो मेरे से काफी अर्से बोल रहे थे, जो न्यू सब्सक्राइबर था स्पेशली वो, कि आप ही हमें नहीं समझ में आ रहा, अगेन मेथड बता दें हमें, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चले इसका पाउडर तैयार, सबसे पहले जो है मैं इसके अंदर डेवलपर डाल रही हूँ, यानी कि बस इतनी क्वांटिटी मैंने डेवलपर लेना है। ये देखें एक चम्मच से भी कम है, जो एक्स्ट्रा वो मैं वापस डाल दूंगी इसके अंदर। आपको इसका डेवलपर का कलर नजर आ रहा है किस तरीके का, और उसके बाद अब हम इसका पाउडर लेंगे। वैसे तो मेजोरिटी में जितना डेवलपर यूज करते हैं ना, उतना ही पाउडर यूज करते हैं, उससे बाल जो है वो काफी अच्छे से कलर हो जाते हैं। अगर आपकी स्किन काफी सेंसिटिव है तो आप पाउडर की क्वांटिटी जो है वो कम रख सकते हैं, और पाउडर जो है वो सिर्फ उस एरिया में अप्लाई कर सकते हैं जिस एरिया में जो है आपको बालों का इशू है, और बाकी एरिया में आप पाउडर को सूदिंग के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। ये देखें इसकी जो ब्लीच होती है वो प्योर ब्लू कलर की होती है, और काफी इसकी जो ब्लीच होती है इसकी कोई तेज खुशबू वगैरह कुछ भी नहीं होती, तो मैंने इतनी क्वांटिटी में ब्लीच डाली जितनी क्वांटिटी में मैंने पाउडर लिया है। ये देखें, ये मैंने सूदिंग लोशन इतनी क्वांटिटी में डाला है, थोड़ा सा ज्यादा डाला है क्योंकि मुझे ब्लीच काफी लगती है। वेला वैसे मुझे लगती नहीं है, फिर भी मैं एहतियातन डाल लेती हूँ, ज्यादा कभी पता नहीं होता है, स्किन सेंसिटिव हुई होती है, कभी कैसी होती है। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ स्किन शाइनर, ये 3-4 पम्प डालूंगी बस, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ऑयली नहीं है, मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल ड्राई रहती है, कभी नॉर्मल कभी ड्राई ऐसी रहती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है स्किन शाइनर ऐड किया है बिल्कुल इतना सा जो है, बस मैंने इसके अंदर व्हाइटनिंग पाउडर डाला है बस, ये बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर खुश्क दूध भी यूज कर सकते हैं। मैंने जिस सैलून में जॉब की थी जूलियस में कमर्शियल मार्केट में, तो वो वाली जो मैडम थी वो खुश्क दूध डलवाती थी ब्लीच के अंदर, उससे आपकी स्किन नहीं जलती बिल्कुल भी, और काफी अच्छा रिजल्ट आता है ब्लीच का। तो बिल्कुल थोड़ा सा खुश्क दूध मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इतना सा ही है, बाकी मैं वापस डाल रही हूँ। दूध कोई सा भी यूज कर सकते हैं, नीडो या एवरीडे जो भी। तो बस ये सारा सामान हमने डाल लिया है, और इसके अलावा आप विटामिन ई के कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं, और बूस्टर में नहीं डाल रही क्योंकि बूस्टर जो है वो स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है, लेकिन बूस्टर ब्लीच के रिजल्ट को बहुत ज्यादा तेज कर देता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है बूस्टर, आपकी स्किन को सूट करता है, पहले मैं यूज करती थी बहुत ज्यादा, लेकिन बूस्टर मेरी स्किन को जो है वो मजीद ड्राई कर देता है। तो बूस्टर हमेशा ऑयली स्किन वाले यूज करते हैं, ऑयल को एकदम से वो सक कर लेता है स्किन से, और स्किन को बिल्कुल नॉर्मल बना देता है ऑयली वालों की। ब्लीच भी जो है आपको पता है ड्राई होती है,
अगर मैं इसमें बूस्टर भी डाल दूं तो मेरी स्किन जो है वो मजीद ड्राई हो जाएगी और मेरी स्किन पे ड्राई ड्राई पैचेस बन जाएंगे, तो इस वजह से मैं बूस्टर ऐड नहीं करी। मैं पिक्चर लगा दूंगी, जो लोग यूज करना चाहते हैं वो लोग यूज कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसकी एप्लीकेशन दिखाती हूँ फिर मैं आपको। सबसे पहले अपने स्किन की मैंने करनी है क्लींजिंग। सबसे ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि आपकी ब्लीच जो है वो कौन से स्टेप पे करते हैं, तो हमेशा ब्लीच जो है वो क्लींजिंग के बाद करते हैं, ठीक है। अपने फेस पर मैं टोनिंग कर रही हूँ बहुत अच्छे से, टोनर मैं यूज कर रही हूँ कैरेट का, ठीक है, ये देखें गाजर का टोनर है। उसके बाद मैं अब लगा रही हूँ उसके ऊपर क्लींजर, ये ग्लैमरस का क्लींजर है। जो भी आपके पास क्लींजर है ना, अगर आपके पास क्लींजर नहीं भी है तो आपके पास कच्चे दूध की बलाई है, आप वो यूज कर सकते हैं। जो भी चीज आपको सूट कर सकती है कर रही है आप वो ले लें, क्लींजिंग कर लें। उससे ये होगा ना कि स्किन से डर्ट उतर जाएगी और जब हम ब्लीच करेंगे या स्किन पॉलिश करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। हमेशा ब्लीच हो या स्किन पॉलिश हो क्लींजिंग के बाद यूज करते हैं, कभी कभार स्क्रबिंग के बाद यूज करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन पे हम स्क्रबिंग के बाद जो है वो ब्लीच नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रबिंग में आपको पता है दाने होते हैं, बेशक वो दाने बहुत अच्छे से ब्लेंड हुए हो फिर भी स्क्रबिंग से हमारी जो स्किन है वो हल्की सी छिलती है, जिसकी वजह से अगर मैं उसके बाद ब्लीच करूंगी तो वो मेरी ब्लीच की वजह से मेरे पूरे फेस पर रैशेज बन जाएंगे। तो हमने रैशेज नहीं बनाने, हमने अपने बालों को कलर करना है सिर्फ और सिर्फ, ताकि जो हमारी स्किन डल लग रही है और बहुत ज्यादा बालों की वजह से हमारी स्किन पर डिस्कलरेशन फील हो रही है तो वो हो जाए। और ब्लीच से ना आपकी स्किन जो है वो कुछ हद तक लाइट भी हो जाती है, इसी वजह से काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज भी जो है ब्लीचिंग करते हैं अपनी स्किन को लाइटन करने के लिए, तो आपकी स्किन जो है एक दो टोन लाइट जाती है। अब मैं इसकी क्लींजिंग करूंगी अच्छे से, उसको रिमूव करने के बाद अगेन टोनर का स्प्रे करूंगी और उसके बाद जो है मैं ब्लीच अप्लाई करूंगी, ठीक है। मैंने इसलिए ऐड किया है कि आप सब लोग पूछते हो कि आप ही कौन से स्टेप पे करते हैं क्लींजिंग या कौन से स्टेप पे ब्लीच करते हैं, तो ये स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है क्लींजिंग का, फिर टोनिंग कर सकते हैं आपके ऊपर है, अगर आपके पास टोनर है तो ठीक है, नहीं तो आप फेस वॉश कर लें सिंपली और उसके बाद आप ब्लीच कर लें। मैंने एप्रन पहन लिया है, ब्लीच का पाउडर मैंने आपके सामने तैयार कर लिया था, यानी कि पूरा स्किन पॉलिश का सामान मैंने आपके सामने तैयार कर लिया है। मैंने जो क्लींजिंग लगाई हुई थी फेस के ऊपर वो मैं साफ कर लूँ अच्छे से, उसके ऊपर मैं अब ये लगाऊंगी ब्लीच और फिर आप लोगों के सामने रिजल्ट दिखाऊंगी। मैं जो है ना 15 मिनट जो है वो लाजमी लगाती हूँ ब्लीच। ये देखें मैंने ये अच्छे साफ कर लिया सारी, कुछ भी नहीं लगाया मैंने फेस के ऊपर। उसके बाद अब मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। एप्रन लाजमी पहना करें जब भी आप कलर कर रहे हो, जब भी आप ब्लीच कर रहे हो, क्योंकि ब्लीच की वजह से आपका ड्रेस खराब हो जाता है। तो मुझे तो बहुत दुख लगता है अगर मेरा ड्रेस खराब हो जाए ना। एक दफा ऐसा हुआ था कि ईद उल फितर थी और मैंने उसी साल मैंने काम सीखा था, तो मेरे और बच्चे नहीं थे, सिर्फ तस्वीर थी छोटी सी ना, तो मेरी ना ईद के दिन ही कोई क्लाइंट आ गई थी और उसने गांव जाना था और वो किसी और से ब्लीच करवाती नहीं है। अक्सर क्लाइंट्स मेरे ऐसे होते हैं जो कहते हैं आपसे ही करवाना और किसी सैलून पे नहीं जाना, तो मैंने उसकी ब्लीच कर दी और मैंने नया ड्रेस पहना हुआ था। वो मेरी ड्रेस जो था ना मेरी पहली ईदी थी जो मम्मी की तरफ से आई हुई थी, वो ड्रेस मुझे बहुत पसंद था बहुत ज्यादा, इतने शौक से उससे इंतजार कर करके मैंने ईद वाला दिन पहना और उस पर पूरे पे दाग लग गया, वो मुझे आज तक नहीं भूलता वो ड्रेस, पहला ड्रेस था मम्मी की तरफ से आया हुआ था ईद का, तो बस अटैचमेंट होती है बहुत ज्यादा, यू नो मेरे से 10 रुपए की भी चीज आई हो तो उससे भी, तो बस इसलिए आप लोग भी एप्रन लाजमी पहना करें, बेशक कलर कर रहे हो बालों को या आप लोग जो है ब्लीच कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, एप्रन जरूर पहना करें ताकि दाग ना लगे और खराब ना हो वो चीज। तो मैं अच्छे से लगा लेती हूँ, सूदिंग मैंने तेज डाला हुआ है तो काफी ठंडा ठंडा लग रहा है, मैंने सूदिंग पूरा चम्मच भर के डाला था इस वजह से तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। अभी आप देखना ब्लीच से पहले मेरी शक्ल कैसी लग रही है और ब्लीच के बाद देखना, मैंने आईब्रोज भी नहीं की हुई, इतना टाइम हो गया, शक्ल बिल्कुल उतरी हुई है मेरी, तो मैं आईब्रोज को भी इसी से ब्लीच करने लगी हूँ, मतलब बस थोड़ी सी शेप निकाल लूंगी इससे, फिर टाइम मिलता है तो आईब्रोज को वैक्स करती हूँ टाइम निकाल के, थोड़ा सा शक्ल का ख्याल करूँ, बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है ये हो गया ऐसे। चले अब उसके बाद ये मैंने यहाँ पे लगा लिया, अब जो बालों वाला एरिया है वहाँ थोड़ा सा मैं थिक थिक लगाऊंगी ताकि बाल अच्छे से कवर हो जाए, वो जो काला काला निशान नजर आ रहा है और जो लिप्स के अराउंड निशान नजर आ रहे हैं वो अच्छे से कवर हो जाए, और गर्दन पे लगा लूंगी। गर्दन पे आपको पता है मैं अक्सर ऑफ कैमरा लगाती हूँ और ऑफ कैमरा रिमूव करती हूँ, तो इस वजह से गर्दन पे भी आप लोगों ने ना जब मैं ब्लीच करती हूँ या फेशियल करती हूँ या स्किन पॉलिश करती हूँ तो काफी डीप गले वाला ड्रेस होता है जिससे आगे और पीछे सारी गर्दन कवर हो जाती है, तो वो वाला वेयर करती हूँ, तो कैमरे की वजह से मैं वो वेयर नहीं करती आप लोगों के सामने, फिर मैं बाद में जब रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए तो फिर मैं बाद में करती हूँ अपना वो वाला एरिया जो रह जाता है। तो जब आप लोग करते हैं घर में तो आप लोग डीप गले वाला ड्रेस पहन के तो उसमें अच्छे से आगे पीछे से लगा के फिर किया करें, बेशक फेशियल हो क्लींजिंग हो या आप कोई टोनर लगा रहे हैं या ब्लीच लगा रहे हैं या स्किन पॉलिश लगा रहे हैं तो आप ऐसे लगाया करें, ठीक है। तो अब ये मैं अच्छे से अप्लाई करती हूँ और जब 15 मिनट हो जाएंगे और जो ड्राई हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ रिमूव करते हुए इसका कैसा रिजल्ट आया है, ठीक है। मिनट हो चुके हैं और बीच बीच में भी आपने इसको ऐसे मिक्स करते रहना है, आपको नजर आ रहा है कि ड्राई हो चुकी है और रिमूव करने से पहले भी एक दफा आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप फिंगर से मिक्स करें, और रिमूव करने के लिए आप लोग स्पंजेस भी यूज मत किया करें, वाइप्स यूज कर लिया करें या कॉटन, कॉटन जो है वो एक्सपेंसिव पड़ जाती है तो वाइप्स सबसे बेस्ट होता है कि आपने रिमूव किया और डस्टबिन में फेंका, क्योंकि स्पंजेस में भी बैक्टीरिया पैदा हो जाता है बार बार यूज करने से स्किन खराब हो जाती है,
सबसे बेटर यही है कि वाइप्स यूज कर लें, वाइप्स से रिमूव कर लें और उसके बाद वाइप्स को फेंक दें और हर बार नया वाइप्स यूज करें। वाइप्स सस्ते भी होते हैं और इस पर्पज के लिए यूज होते हैं। ये देखिए पूरी ड्राई हो चुकी है, तो जो बची हुई है वो मैं बस रिमूव करने से पहले हल्के सी इस एरिया में लगाऊंगी, होगी ऊपर लगाऊंगी, वरना जो है पूरा फेस साफ हो जाएगा और ये वाला एरिया जो है ना मजीद डार्क लगेगा, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हुआ है, आंखें बहुत ही अंदर गई हुई है, इस तरह से कुछ लगेगा। तो ये मिक्स हो गया सारा, गर्दन से तो बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी है ये देखें। तो अभी मैं ये रिमूव करती हूँ आपके सामने, मैं तो रखे मैं साथ ही, तो मैं अभी ये आपके सामने रिमूव करती हूँ ताकि आपको रिजल्ट नजर आ सके कितने अच्छे से ये बालों को जो है वो स्किन के अकॉर्डिंग कर देती है। ये देखें इसके रिजल्ट चेक करें, एकदम से फेस जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। ये देखें जितने भी बाल यहाँ थे उससे सारे स्किन के अकॉर्डिंग उनको कर दिया है और नजर ही नहीं आ रहा कि बाल थे। ये देखें गर्दन पे भी देख लें बिल्कुल साफ हो गया है पूरा फेस, क्या करना है ठीक है। ये देखें जहां जहां बाल थे, इवन अपर लिप से भी जो बाल थे और अपर लिप से इतना डार्क लग रहा था बालों की वजह से, सारा जो है अच्छे से कवर हो गया। 15 मिनट्स लगते हैं इसको टोटल, और 15 मिनट्स में ये सारे बालों को आपके ब्लीच कर देती है। देखें कोई रैश नहीं बना, कोई कुछ नहीं हुआ था एहतियातन, और इसी वजह से कि मेरा ड्रेस खराब ना हो जाए लोन का, ये हो गया साफ। ये देख लें कोई एक रैश मुझे नहीं बना और मेरा फेस जो है वो ब्लीच हो गया है बहुत अच्छे से, कोई जगह नहीं रहेगी कि जहां पे ब्लीच ने वर्क नहीं किया हो। ये देखें और आपको फेस पे एकदम से फर्क नजर आ रहा होगा कि फेस जो है वो कितना ब्राइटन हो गया एकदम से, यानी कि ब्लीच मैंने आपको पहले ही बताया है कि लाइटन करती है, लेकिन हमें इसको लाइटनिंग के लिए यूज नहीं करती, मैं इसको अपने फेशियल हेयर को कलर करने के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि मैं वैक्सिंग नहीं करती ना थ्रेडिंग करती हूँ, बहुत वैक्सिंग भी बहुत कम करती हूँ, सिर्फ आईब्रोज की और अपर लिप्स की, मैं फुल फेस की वैक्सिंग नहीं करती, तो मैं सिर्फ ब्लीच कर लेती हूँ, उससे मेरे बाल जो है वो सारे कवर हो जाते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट होता है ब्लीच का। ये देखें प्रॉपर वैसे भी मैंने आपके सामने की है और रिमूव भी की है, कोई एक रैश मुझे नहीं बना और कितने अच्छे से देख लें पूरा फेस नीट भी हो गया और सारे बाल कलर हो गए और कैसे एकदम से मेरे फेस के ऊपर शाइन आ गई। अब मैं इसको अच्छे से धोकर आती हूँ और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, उसके बाद मैंने टोनर करना है। टोनिंग करने के बाद टोनर को मैं इस तरीके से स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर दूंगी ताकि अगर पोर्स खुले हुए हैं तो वो बंद हो जाएं, ब्लीच से आपके पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं तो उसको बंद नहीं करना होता। उसके बाद आप कोई भी शीट मास्क अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, अगर आपके पास शीट मास्क पड़ा हुआ है, अगर नहीं भी पड़ा हुआ तो आपने सिंपली वाइप्स लेना है, उसको एलोवेरा में या रोज वाटर में डिप करके रखना है और उसको फेस पे अप्लाई कर लेना है और बस उसके बाद आपका जो ब्लीचिंग का या स्किन पॉलिश का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, जो लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे उन लोगों के बारे में, और मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि आप ही आप ऑनलाइन क्लासेस दे दें, आपसे काम सीखना चाहते हैं, तो पता है जितना भी मेरे पास नॉलेज है जो मैं सैलून से सीखा था या जो मैं क्लासेस से सीखती हूँ, तो वो सब का सब मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल के थ्रू शेयर कर देती हूँ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आप लोगों से छुपाई हो आज तक, या मैं कोशिश करती हूँ छुपाने की, इवन मुझे पता भी है कि लोग कॉपी कर लेते हैं, जैसे वेला ब्लीच मेरे से पहले कभी किसी ने शेयर नहीं की थी और इसके बाद लोगों ने इसके ऊपर वीडियोज बनाई और कभी मुझे क्रेडिट नहीं दिया कि ये हमें नताशा वकास ने बताई थी। बंदा क्रेडिट दे देता है ना, तो वो भी कोई नहीं देता यहाँ पे, उसके बावजूद भी मैं वन टू ऑल एक एक चीज शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बस इतना पता है कि जैसी मेरी नियत होगी मुझे वैसा अजर मिलेगा, अगर मेरी नियत साफ है तो अल्लाह पाक मुझे इंशाल्लाह अच्छा अजर देगा। तो बस यार जितना टाइम होता है इतना ही होता है कि मैं मुश्किल में कोई एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, अपना घर देख लूं, बच्चों को देख लूं, बच्चों की पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, घर का टोटल काम, सफाई वाली भी नहीं है वो भी मैं खुद करती हूँ, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ, तो सब कुछ मैं खुद करती हूँ, तो आपके सामने के बहुत मुश्किल होता है। चार छोटे छोटे बच्चे हैं, तीन तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों को ना ऑनलाइन क्लासेस दे सकूं। जब भी आप लोग कोई रिक्वेस्ट करते हो ना, कोई ब्राइडल मेकअप, कोई इंगेजमेंट मेकअप, कोई ब्लीच की वीडियो, कोई भी जिसके ऊपर मुझे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती है वो मैं नोट कर लेती हूँ, उसके ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए कि आप घर बैठ के सीख सकें मेरे से। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, नाराज मत हुआ करें, रिप्लाई नहीं आता, कभी बीमार हो सकती हूँ, कभी मेहमान आए होते हैं, कोई ना कोई मसला चल रहा होता है लाइफ में, लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती, इस वजह से गायब हो जाती हूँ, कोई ना कोई इशू आया हुआ होता है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो बस वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो और कमेंट लाजमी क्या करो, ये मत क्या करो कि आज मैं फर्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूँ, मैंने कभी कमेंट नहीं किया, बड़ा दिल दुखता है कि तरसे से मैं वीडियो कर रही हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, इस बंदे को नजर नहीं आती कि ये देखता है चुप करके और कमेंट नहीं करता, तो कमेंट क्या करो, बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कमेंट से भी। तो मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखना मुझे और अपना ढेर सारा ख्याल रखना, बहुत बहुत सारा ख्याल रखें अपना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।